हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज मैं खेत पर जा रहा हूँ अपनी साइकिल पकड़ के, तो चलते हैं खेत पर। दोस्तों मैं आ गया हूँ खेत में। अब चलो यहाँ पानी, तुझे एक तो स्टैंड ऑफ खराब है, लगता नहीं है। तो मुझे इससे ये बनना है, इसे बाद में बांधूंगा, पहले वहाँ चलता हूँ। यहाँ खेतों में पानी आ रहा है, देखो बढ़िया आ रहा है ना सीन। तो आगे चल कर देखता हूँ ये पानी आ रहा है यहाँ खेत पे। और आगे ये झोपड़ पट्टी सी बना रखी है, ये रात में गाय बजा आती है ना, तो वो खेतों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे आकर हम उसकी रखवाली करते हैं खेत की। जितने भी खेत हैं सब, वहाँ से लेकर स्कूल से लेकर यहाँ तक जो है जिस, इन सब की रखवाली करनी पड़ती है, क्योंकि वो खा जाती हैं फिर गेहूँ को, बड़ा नहीं होने देती। और ये मंदिर जो है ना, ये टूटने के लिए हो रहा है, इसे बनवाना पड़ेगा। ये तो मेरी पेंटिंग है हनुमान जी की, सेम टू सेम शिवलिंग जैसी है ये। अब मंदिर को बाद में देखेंगे, आगे चल कर देखते हैं। और जो मेरा छोटा भाई है, ये खेत में पानी लगा रहा है, इससे दिमाग नहीं मारते, आगे चलते हैं। वो बिजली जो है ना, वहाँ से पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि इंजन ख़राब है ना, इसलिए इसे ठीक कराएंगे हम। ये वहाँ से पाइप बिछा कर लाना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर पानी लगता है। चलो आगे चलते हैं। तो ये लीक हो रहा है यहाँ से, क्योंकि ये फट रहा है पाइप, कुछ कुछ जगह से फट रहा है। ज़्यादा फटा होता तो ये जानवर आते जो है ना, गाय बजाल, उन सब के पैरों के निशान यहाँ पे हैं, जी नुकसान पहुँचाते हैं खेतों को। जी तभी लगा रखे हैं हमने, इन लकड़ियों से आते नहीं वो, क्योंकि इन्हें पार नहीं कर पाती। यहाँ से पाइप कुछ ज़्यादा फट रहा है, चलो से बाद में देखेंगे। इसमें तो पानी लग रहा है, इसलिए दूर से दिखाना पड़ेगा। और जी धनिया है, जी पालक है, और जी मूली है, ये अभी होगी नहीं अच्छी तरह, छोटी छोटी सी हैं अभी। और ये लाल लाल जो है ना, ये चुकंदर है, चुकंदर, हाँ। मुझे यहाँ से चल चल कर जाना पड़ेगा मुझे अच्छी तरह, ठीक है। तो लाइट जाने वाली है, यहाँ पे पानी लग रहा तो नहीं है अभी, बिजली जो है वो, और वहाँ से फिर पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि लाइट चली जाएगी ना। तो कट्टा भी बनना है अभी मुझे, बर्सी भी दलवानी है उस पर, लाया है वहाँ से वहाँ तक, इसे बाद में दिखाएंगे, पहले आगे चलते हैं। हाँ, साइकिल पर बर्सी दबानी है, पहले से दबा दूँ तब बाद में दिखाऊंगा। तो ये जो है ना, इसे घर ले जानी पड़ेगी बर्सी को। घर चल, अरे चल यार, चल मत से चल, मैं पहले कट्टा तो बल्लू मांग का, पहले कट्टा बल्ली हूँ मैं। अच्छा लेफ्ट हैंड लगा लूँ, चल तू जा। इन तारों से संभल कर लगना पड़ेगा, ये बनना है मुझे। मैं अब कट्टा बताऊँ, सीधे हाथ में फोन है, तो अभी बंद कर जब कट्टा बढ़ जाए जब दिखाऊंगा। बढ़ गया, अब इसे बाहर धरना पड़ेगा, पहले रस्सी कहाँ है, रस्सी मिल रही नहीं है। ये भाई कहाँ से आ गई, ये खेत है, यहाँ पर ऐसे जंगली कुत्ते डोलते रहते हैं। बंद गया, पहले जे खोलता हूँ ना, यहाँ पर भी लाया उग रहा है, वहाँ पर भी उग रहा है, वहाँ पर भी उग रहा है, और वहाँ पर भी उग रहा है।
अब चलो ये बंद गया, मैं जा, तो अब मैं घर पर मिलता हूँ। ये पहले स्टैंड लगा कर जा रहा हूँ, उग जाएगी ये भी। हाँ सही कहा था, पहले एक हाथ ही फैशन मान लें, एक हाथ तो थोड़ी मान लो, एक हाथ में फोन है और बाप सही। अब दोस्तों मैं भैंस वाले घर में आ गया हूँ, पहले ये कट्टा धरना पड़ेगा तब जाएंगे घर। पहले ताला खोल कर दे दूँ, उल्टे हाथ से खोल लिया, खोल लिया। तो उसने स्वागत स्वागत करा है, कट्टा दर्द दूँ फिर। अब इनका इंटरव्यू की बात है, तो उसका नाम है मोनिका और उसका एक बेटा है, वो देख रहा दूर से, बोला उसके पास जाकर दिखाऊंगा तो। और ये बड़ी पड़िया है हमारी, और ये हमारी छोटी पड़िया। और ये है हमारा छोटा सा पड्डू, इसका नाम मैंने यशवंत रखा है। इसके ऊपर ज़्यादा बाल हैं, पहले तो नहीं थे, अब हो गए। और ये हमारी बूढ़ी भैंस डायनासोर, जिसके जी मेरे को देखकर डर रही है पता नहीं क्यों, या फोन को देखकर डर दिया है, मेरे को देखकर डर दिया पता नहीं, देख जा रही, देखो देखो। तो कट्टा मैंने डर दिया, अब घर जाने वाली। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।